अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुस्तफा चीमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटरोला के एक नए मोबाइल के बारे में। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपको इस मोबाइल के बारे में पता चल सके। मोटरोला एज इसको 2024 में 4 जून को रिलीज किया जाएगा, ठीक है जी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब। इस मोबाइल के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये आपको बॉडी और बॉडी से लेके बैटरी तक आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है जी। इस मोबाइल का वेट आपको 174 ग्राम मिल रहा है, जो कि 8.1 mm थिकनेस के साथ ये आपको मिलेगा। फ्रंट पे आपको इसके ग्लास लगाया गया, फ्रेम आपको इसका आपको अल्यूमिनियम का लगाया जाएगा। इसके बैक पे आपको इस पे इको लेदर की बैक आपको इस पे मिलेगी। नैनो सिम आपको इसके अंदर मिलेगी, साथ में ई सिम आप इसके अंदर लगा सकेंगे। IP68 की आपको वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस की रेटिंग इसके अंदर दी जाएगी। और अगर इस मोबाइल के डिस्प्ले वगैरह के बारे में बात की जाए तो ये आपको 6.6 इंचीज का आपको पी ओलेड का डिस्प्ले दे रहे हैं, जो कि आपको 1 बिलियन कलर तक आपको इसके अंदर मिलेगा। 144 हर्ट्ज की आपको इसके अंदर रिफ्रेश रेट दी जाएगी। HDR10+ का आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलेगा। मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको इसके अंदर 1300 निट्स की आपको इसकी पीक ब्राइटनेस मिलेगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात की जाए तो ये आपको 90% आपको इस मोबाइल की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगी, जो कि बेजल वगैरह इसके अच्छे होंगे। डिस्प्ले की रेजोल्यूशन इसके अंदर आपको 1080x2400 पिक्सल की डिस्प्ले की रेजोल्यूशन दे रहे हैं। और प्रोटेक्शन की बात की जाए डिस्प्ले की तो ये आपको इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 लगाया गया है। अब अगर परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात की जाए तो ये आपको एंड्रॉयड 14 के साथ मिलेगा। जो चिपसेट इसके अंदर लगाई गई है वो आपको स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 4 नैनोमीटर वाली चिपसेट इसके अंदर लगाई गई है, जो कि इसका GPU जो आपको मिलेगा वो आपको एंड्रीनो 710 इसके साथ आपको दिया गया। स्टोरेज के जो इसके अंदर वेरियंट दिए जाएंगे वो आपको एक वेरियंट आपको इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 8 GB रैम और 256 GB रोम के साथ ये आपको मिलेगा। इसके अंदर आप SD कार्ड वगैरह नहीं डाल सकते। UFS 2.2 के साथ ये आपको देने जा रहे हैं। कैमरे वगैरह की अगर बात की जाए तो ये आपको बैक पे ड्यूल कैमरे के साथ मिलेंगे। इस पे जो मेन कैमरा है इसका वो आपको 50 MP का फ्रीक्वेंसी F1.8 अपर्चर के साथ मिलेगा, जो वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा। और इसे आपको मल्टी डायरेक्शनल PDF और OIS के साथ ये आपको कैमरा दे रहा है। इसके अंदर जो दूसरा आपको कैमरे का लेंस लगाया गया वो 30 MP का लेंस लगाया गया है, जो कि आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए यूज किया जाएगा। और इसके अंदर AF आपको सपोर्ट करेगा। ड्यूल LED HDR पैनोरोमा फ्लैश वगैरह के फीचर वगैरह दिए गए। वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए बैक की तो ये आपको 4K@30fps 1080@30 60fps HDR गायरो ES के साथ ये आपको वीडियो की क्वालिटी इसके अंदर दे रही है। कैमरे वगैरह के फ्रंट की बात की जाए तो ये आपको 32 MP का फ्रंट का कैमरा मिल रहा है, जो कि F2.4 वाइड एंगल अपर्चर के साथ आपको मिलेगा। इसके अंदर भी आपको AF सपोर्ट किया जाएगा, HDR दिया जाएगा। और इस मोबाइल की वीडियो की क्वालिटी की बात की जाए तो ये आपको 1080x30fps की फ्रंट की वीडियो की क्वालिटी इसके अंदर आपको मिलेगी। स्पीकर आपको इस मोबाइल के स्टीरियो के स्पीकर मिलेंगे। 3.5 mm का जैक भी आपको इसके अंदर नहीं दिया जाएगा। बैटरी वगैरह की अगर बात की जाए तो ये आपको 5000 mAh की बैटरी दे रहे हैं, जो कि आपको 68 वाट के अडाप्टर के साथ मिलेगा। और 15 वाट का वायरलेस सपोर्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो ये आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। वाईफाई का ड्यूल बैंड डायरेक्ट वर्जन के साथ मिलेगा। ब्लूटूथ का 5.2 वेरियंट आपको इसके अंदर मिलेगा। NFC आपको ये मोबाइल दे रहा है, रेडियो नहीं दे रहा। USB की टाइप सी मिलेगी, जो कि 3.1 OTG वेरियंट के साथ आपको इसके अंदर मिलेगी। कलर ये एक ही कलर के अंदर आपको इसको रिलीज किया गया, जो कि ब्लैक कलर है। और अगर इसके प्राइस वगैरह की बात की जाए तो ये आपको यूरोपीय यूनियन के अंदर इसको 510 यूरो तक इसको स्टार्टिंग प्राइस की दी गई है। प्राइस वगैरह के लिहाज से ये बहुत ही महंगा है, इतनी चीजें ये दे नहीं रहा जितनी इस मोबाइल की प्राइस है। ये सब चीजें मैं आपको बताना चाहता था इस मोबाइल के बारे में। आज के लिए इतने ही, खुदा हाफिज।